ये बताइए कि ये पहला चुनाव मुलायम सिंह यादव के बगैर जो आप लड़ रहे हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है क्या? ये कौन सा गणित आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10-10 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार कैंडिडेट बदल रहे हैं? देखिए गरिमा जी, समाजवादी पार्टी एक बार कैंडिडेट बदले, दो बार बदले, तीन बार बदले, तो 5 कैंडिडेट गए हैं, उनकी जनता में कोई विरोध नहीं है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, हम नहीं कह रहे हैं आप हमारी मानिए, आप सुरेंद्र राजपूत जी की मानिए या और किसी की मानिए, नवनीत राणा किस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और खुले आम लोगों से कह रहे हैं कि काम करिए, मोदी की लहर नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया लोकसभा का वो कह रहा है, क्योंकि वही जनता के बीच जा रहा है। ये प्रवक्ता तो बेचारे कमरों में बैठ के आपके साथ बहस कर लेते, कहते हैं हम सब नहीं, लेकिन जितना जो गठबंधन दिखा लेते हैं उनको लगता है कि हम सब जीत रहे हैं। ठीक है सुनील, लेकिन जो गठबंधन इस बार आपने बनाया 2024 में, क्या वो 19 जैसा गठबंधन है जिस समय 38 तकरीबन 39% का वोट शेयर मायावती को साथ ले आया, आपने 15 सीटें झटक ली गठबंधन बनाकर, ये उतना डेडली कॉम्बिनेशन है क्या इस बार? मुझे लगता है गरिमा जी, इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश साफ करने जा रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं हम लोग फिर आपके साथ डिबेट करेंगे। पहले चरण की वोटिंग 8 सीटें हैं, 8 सीट में एक सीट भी खाता भारतीय जनता पार्टी नहीं खोल रही, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात साफ कही है कि यह उत्तर प्रदेश है, ये स्वागत भी बहुत शानदार करता है और विदाई भी बहुत शानदार देता है। तो 4 जून को जो माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को उत्तर प्रदेश से विदाई मिलने जा रही है, ये देश देखेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये लोग 14 में और 19 में इनके मुद्दे क्या थे? महंगाई के खिलाफ बोल रहे थे, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे थे, देश की सीमाओं को लेकर के बोल रहे थे, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के बोल रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे। आपने किया क्या? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न या महिलाओं पर उत्पीड़न करने वालों को ज्वाइन कराने में नंबर 1, महंगाई बढ़ाने में नंबर 1। लेकिन सुनील, क्या आप बीजेपी के साथ साथ बीएसपी से भी लड़ रहे हैं क्या? पिछली बार बीएसपी आपके साथ खड़ी थी, इस बार बदायूं से लेकर कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपका गणित बिगाड़ती हुई मायावती नजर आ रही है? मैं बदायूं का जिक्र करूंगी, कुछ बातों को स्वीकार करते हैं। 2022 के चुनाव 1 सीट बीजेपी की विधानसभा की, वो जो 10 सीटें हैं और मायावती की ताकत आप जोड़ रही हैं वो समाजवादी पार्टी की ताकत, आपकी उनका कहीं खाता खुलने नहीं जाता। और लड़ाई सीधे सीधे इंडिया बनाम एनडीए की है, और हमारे नेता ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और पीडीए हमारा भगवान है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है, हम बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान, वो हमारा भगवान है, हम अपने भगवान के अधिकारों को बचाएंगे, उसके आरक्षण को बचाएंगे, उसके मान सम्मान को बचाएंगे। हाँ। उसके बीच जो भारतीय जनता पार्टी जहर बो रही है उसको खत्म करेंगे। लेकिन सुनील ये भी बता दीजिए ना, ये भी बताइए कि धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव, फिर आदित्य यादव तो जीतेंगे तो हम ही ना। वो परिस्थितियां हैं। मैं माननीय धर्मेंद्र जी को आजमगढ़ जाना पड़ा, माननीय शिवपाल जी का नाम आया, माननीय शिवपाल जी ने इच्छा व्यक्त की आदित्य यादव जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें सहमति दे दी। तो जनता के बीच तो हम समाजवादी लोग ही जा रहे हैं ना, उसी विचारधारा को लेके जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि माननीय धर्मेंद्र जी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति थे, माननीय शिवपाल जी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति थे, आदित्य यादव जी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति हैं। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरे देश में ये कह रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए दे दो क्योंकि संविधान बदलना है, और सरकार कौन बनाता है? सरकार तो पीडीए ने बनाया था, पिछड़े दलितों ने बनाया था, आपने उनको ठेंगा दे दिया, अपने चंद उद्योगपतियों को दुनिया का नंबर 1 बना दिया, बाकी सब जमीन पे चले गए। आप देखिएगा, मैं गरिमा जी आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, और यह भी मैं स्वीकार करता हूं कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जरूर कंफ्यूजन में हैं, उनको लग रहा है या उनके मुंह से निकल आता है कि हाँ मोदी जी की सरकार तो बन रही है,
हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 200 सीटें छू जाए तो आप हमको बताइए पूरे देश में 200। चलिए उत्तर प्रदेश में लिखते आए हैं ना, हाँ उत्तर प्रदेश में, सुनिए उत्तर प्रदेश में को ये पीछे लिखा होगा 400 हार और इसके बाद ये जाते हुए नजर आ रहे होंगे। चलिए वो गणित आप आपस में सुलझा लीजिएगा डॉक्टर एम एच खान।